हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं कितने प्यारे फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी आपको, क्रोशिए और ऊन से, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम रियल फ्लावर की तरह। तो इसके लिए मैंने देखिए एक बुलन और क्रोशिए से सिंगल फंदे से चेन बना ली है। देखिए मैंने कम से कम 60 बार सिंगल फंदे से क्रोशिए बनाया और लास्ट में 5 क्रोशिए सिंगल छोड़कर चेन इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है इस तरह से। और फिर मैंने इस तरह से देखिए 3 नीचे के चेन छोड़कर सिंगल और फिर चौथे चेन पर डबल क्रोशिया बना लिया है। और मैं फिर 3 बार सिंगल फंदे से ऊपर चेन बनाऊंगी और आगे उसी डबल क्रोशिया वाली जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, जो देखने में हमारा वी शेप का लगेगा। फिर मैंने इसके ऊपर चेन ना बना करके एक डबल क्रोशिया लूँगी और आगे के 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर उसके ऊपर 3 बार सिंगल फंदे बनाऊँगी चेन, फिर उसी जगह से जिससे पहले डबल क्रोशिया बनाया था उसी जगह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से फिर मैं 3 सिंगल चेन छोड़कर नीचे चौथी से फिर डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और फिर इसके ऊपर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बनाकर उसी जगह से डबल क्रोशिया बना लूँगी जिससे पहले बनाया था। इसी तरह से मैं पूरी चेन पर यही डिज़ाइन बनाती चली जाऊँगी, 3 चेन छोड़कर इस तरह से। तो देखिए मैंने पूरी चेन पर ये डिज़ाइन बना लिया है और मैं इसे ऊपर बनाने के लिए इस तरह से लास्ट में मैं 2 बार सिंगल चेन बुनूंगी और फिर जो आगे का वी शेप है उससे इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये डबल क्रोशिया मैं गिनकर 10 बार बनाऊंगी। मैं 10 बार गिनकर डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ से। इस तरह से मैं गिनकर डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं नीचे जो बी बनाया उसके बीच की जगह है ये इस तरह से मैं सिंगल फंदा लूँगी और इस तरह से सिंगल फंदे से ही बुन दूँगी मैं। और आगे के बी शेप से फिर दोबारा इसी तरह से गिनकर 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी देखिए इस तरह से। और फिर जो आगे के इस तरह बीच की जगह है उससे मैं फिर सिंगल फंदा इस तरह से लूँगी और फिर एक बार सिंगल फंदा लेकर आगे के बी शेप से इस तरह से 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी गिनकर। मैं जो इस तरह के शेप हैं हमारे उनसे सभी से इसी तरह के डबल क्रोशिया 10-10 बार यानी 10-10 बार बनाती चली जाऊंगी इस तरह से। मैं गिनकर 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर इससे
नीचे से मैं फिर सिंगल फंदे से बुन दूंगी इस तरह से, और आगे के वी शेप से फिर हम 10 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी तरह से जैसे पूरी और डिज़ाइन पे बनाते चले आए हैं। तो देखिए इस तरह से बन गया है हमारा डिज़ाइन। इस तरह से पूरा डिज़ाइन बनने के बाद फ्लावर के लिए इसे इस तरह से जो नीचे हमने थोड़ी चेन छोड़ी थी उसे ऐसे उंगलियों में दबाकर इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे हर कली को फ्लावर की। इस तरह से पूरा फ्लावर को हम फोल्ड कर लेंगे। हर कली को फोल्ड करने के बाद मैं देखिए हर कली को फोल्ड करने के बाद मैं नीचे से इस तरह क्रोशिए से जो हमारा नीचे लास्ट इस तरह से मैं उस फंदे को क्रोशिए की सहायता से इस तरह से ज्वाइंट करते हुए सिलाई कर दूंगी कलियों को इधर उधर से पीछे की तरफ से। और पूरा फ्लावर ज्वाइंट करने के बाद मैं ऐसे नॉट लगा दूंगी यानी कि गांठ जिससे हमारा फ्लावर खुले नहीं। तो देखिए आगे से ये हमारा वाइट रोज़ की तरह यानी सफ़ेद गुलाब की तरह दिख रहा है फ्लावर, जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। अगर आपको पसंद आया हो इस तरह से बुलन का फ्लावर तो प्लीज़ फटाफट बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं लाती रहूं आपके लिए प्यारे प्यारे क्रोशे के डिज़ाइंस। और देखिए मैंने कैसे 2-3 कलर के बनाए हैं ये फ्लावर, जो देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।